अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फोटोग्राफर मोहम्मद अजहर हफीज। देर से आने की माजरत चाहता हूं। जब भी हम इक्विपमेंट कैरी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप फोटोग्राफी के लिए किसी लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं तो आप देखें किस इलाके में जा रहे हैं और आपको वहां पर कौन से लेंसेज रिक्वायर्ड होंगे। सारा इक्विपमेंट लेकर चलना कोई दानिशमंदी नहीं होती। एक तो आपको वेट बहुत उठाना पड़ेगा, दूसरा सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो उसका बेहतर हल यह है कि आप सिलेक्टेड इक्विपमेंट लेकर चलें। आप आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं तो उसके मुताबिक इक्विपमेंट लेकर चलें। आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करने जा रहे हैं तो उसके मुताबिक इक्विपमेंट लेकर चलें। अगर आप ये सिलेक्शन घर पर कर लें या अपने स्टूडियो में कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और आप थोड़े इक्विपमेंट के साथ बेहतर कैरी कर सकेंगे और आपको ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। बहुत सारे लोग ज्यादा लेंसेज कैरी करने की वजह से अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पाते। उसकी रीजन ये होती है कि वो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि मैं ये लेंस चेंज कर लूं, इसके अगर ये लगा लूं, तो वो क्या करते हैं उस टाइम पीरियड में तस्वीर मिस कर देते हैं, क्योंकि तस्वीर तो मिली सेकंड में बनती, तो वो लेंस चेंज करते करते डस्ट भी आ जाती लेंस के अंदर और वो तस्वीर भी चेंज हो जाती निकल जाती। तो उसका एक तरीका तो यह है कि आप घर से ही फैसला करके चलें और लेंस जो है वो लगा कर चलें। उससे यह है कि आपके कैमरे के सेंसर पे डस्ट भी कम आएगी और आप बेहतर फोटोग्राफी के लिए जा सकें। जब आप फैसला कर लेंगे आपने किस तरफ जाना है, तो आपको अब ऑल पर्पज लेंसेज में हमारे पास बेसिकली हमारी किट में 1424 या 1224 2470 mm और 70-200 mm, तो ये जरूर तीन लेंसेज ऐसे हैं जो हर फोटोग्राफर के पास एज ए बेसिक लेंस होने चाहिए। उसके बाद अगर आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो आप कहते हैं जी मैंने वाइल्ड लाइफ में काम करना है, तो आप 200, 500, 100, 600, 150, 600 इस तरह से किसी भी लेंस को, किसी भी ब्रांड के लेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लैंडस्केप करना चाहते हैं तो 2470 1424 बेहतरीन लेंस काम के लिए, और अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो 105 mm का मैक्रो और 200 mm का मैक्रो जो है f/2.8 के अच्छे लेंस हैं। उसके साथ अगर आप बैरल्स भी बाई कर लें तो आप ज्यादा मैक्रो में जा सकते हैं। अगर आप आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप DC लेंसेज भी ले सकते हैं जो उसकी डेप्थ को कंट्रोल कर सकें, और उसके साथ साथ जो आपके वाइड एंगल हैं 1424 वगैरह उसको कर लें। फिर मकसद आता है कि आपने कौन सी फोटोग्राफी करनी, उसके मुताबिक आप फुल फ्रेम या क्रॉप फैक्टर फ्रेम जो है उसको, जिसको DX कैमरा कहते हैं, बाय कर सकते हैं। जैसे आप अगर वाइल्ड लाइफ करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो आपके लिए DX कैमरा इसलिए अच्छा है, उसका फ्रेम रेट भी बेहतर होता है और आपका लेंस भी 50% 60% इंक्रीज कर जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। खुश रहिए, सलामत रहिए, मेरे साथ रابطے में रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस भी आपके लिए बनाता रहूं।